हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे देख हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और उसमें वैल्यू निकालनी है। ये 4 tan θ - 5 cos θ / sec θ + 4 cot θ। देखो इसमें जैसे हमें ये देखा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इसको निकालेंगे हम इससे, और फिर जो इनकी जो वैल्यू है जैसे टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा की हमने वैल्यू निकाल दी, उसको फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे और सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। देखो साइन थीटा जो होता है, कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें एक होता है परपेंडिकुलर और एक बेस। 90 डिग्री एंगल देखिए जैसे यहाँ पे है और ये है हाइपोटेनस। तो इसमें ये पी परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है और बी बेस को, वैसे ही हाइपोटेनस को। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है, और बेस जो होता है वो भी कोस थीटा जो होता है वो बेस अपन में हाइपोटेनस होता है। अब देखिए हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है साइन थीटा है 4/5। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर 4/5 यहाँ पे है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ वही बता रहा है, देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। तो इसमें से हमने यहाँ पे देखिए बी निकाल दिया, तो जो हमारा बी आया है देखिए वो बी आया है 3। तो अब हमें इसमें बेस भी पता चल गया जो कि हमारा 3, और देखिए ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस के बराबर, तो इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर हो गया 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर जो भी जितना यूनिट हो गया, और ये क्या बोलते हैं हाइपोटेनस जो हो गया वो हो गया 5। तो अब हमें सारी साइडें पता चली गई इसकी, 3, 4 और 5 इस राइट एंगल ट्राइंगल की। तो देखिए अब साइन टेन थीटा की बात करते, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे ध्यान ये देना कि थीटा का, जैसे इस ट्राइंगल को मैं नाम दे दिया ABC, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस ए पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए जो हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस सेम रहता है, हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा AC ही, लेकिन जो चेंज होगा वो होगा बेस और ये परपेंडिकुलर जो है ये चेंज होगा। अब यहाँ पे जैसे मैं ए पे खड़ा हूँ, यहाँ पे तो ए पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर जो है ये BC हो जाएगा मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये साइड मेरे लिए परपेंडिकुलर होगी और ये AB जो है मेरे लिए बेस हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे सी पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए जो हाइट जो हो जाएगी परपेंडिकुलर वो ये AB हो जाएगा और बेस जो हो जाएगा BC हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना, तो हम यहाँ पे ए पे खड़े हुए हैं अभी। तो देखिए आप सिंपल तरीके से मेरे को क्या दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है यहाँ पे, तो टेन थीटा जो निकलेगा मेरा निकलेगा भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस के बराबर यहाँ पे, तो ये मेरे लिए होगा परपेंडिकुलर अपन में बेस के बराबर हो गया। तो परपेंडिकुलर मेरे लिए कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और बेस हो गया 3, तो ये मेरा टेन थीटा जो आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से जितने भी फिर मेरे सारे एंगल वगैरह जो हैं वो मैं निकालूंगा। तो ये मैंने अगले पेज में देखिए हमने यही पे करा है। अब हमने सारी वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी, कोस की भी निकाल दी, तो यहाँ पे देखिए यही रखा, टेन थीटा हमारा है 4/3 और उसी तरह से कोस थीटा है 3/5 और सेक थीटा और कोट थीटा। तो इनको सिंपल तरीके से सोल्व करा, देखिए 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया यहाँ पे 16/3 और दूसरे को भी सोल्व करके 15/3, और सिंपल तरह से इसका एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके इसको सोल्व करके हमारा आंसर है 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरह से ही सोल्व करते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई और वीडियो वगैरह किसी और क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनके भी काम आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।